हम अपने पंचभूतों को संतुलन में रखकर एक अच्छा और स्वस्थ जीवन लंबे समय तक जी सकते हैं। आइए हम जानते हैं कि यह पंचभूत क्या हैं और इसे कैसे संतुलन में रखा जा सकता है। इस सृष्टि की रचना बहुत ही रहस्यमयी है, पर इसके पीछे बहुत से मतभेद भी हैं। परंतु साक्षात रूप से सृष्टि की रचना में जिन तत्वों का प्रयोग हुआ है उन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं या पंच तत्व कहते हैं। इसी पंच तत्व से पूरी सृष्टि बनी हुई है, अर्थात हम आप सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां इत्यादि। इन पांच तत्वों की अनुपस्थिति से या तो इनके असंतुलन से हमारे जीवन में भूचाल आ सकता है या यह सृष्टि बिल्कुल असंतुलित हो जाएगी। और यह पंच तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह पांचों तत्व हमें प्रत्यक्ष रूप से जीने में सहायता करती हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इन पांचों तत्वों में से किसी एक में भी असंतुलन हुआ तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाएगा। जैसा कि जल स्तर अचानक से पृथ्वी पर बढ़ जाए तो क्या होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं है। या अचानक से जल की कमी हो जाए तो क्या होगा, अचानक से गर्मी बढ़ जाए या वायु बहना बंद हो जाए या बहुत तीव्रता से वायु बहने लगे, यह सभी चीज आप प्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। हमारा शरीर भी इन्हीं पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं पांच तत्वों से हमारे पांच ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ है। हमारे पांच ज्ञानेंद्रियां आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। पहला आकाश तत्व। आकाश से आप क्या समझते हैं? आकाश जो हमें दिख रहा है सिर्फ वही आकाश नहीं है, बल्कि आकाश अनंत है, अर्थात आकाश की कोई भी सीमा नहीं है, यह तो सभी जानते होंगे। पृथ्वी के साथ साथ संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अधीन है या यूं कहें कि इसके संरक्षण में है। आप सभी को पता है इस आकाश में एक शब्द का उच्चारण हर समय गूंजता रहता है। इस गूंज को लेकर बहुत ढेर सारे मतभेद हैं। वास्तुशास्त्र में आकाश शब्द का अर्थ है रिक्त स्थान, अर्थात खाली स्थान, और किसी भी खाली स्थान पर एक गूंज हमेशा गूंजती रहती है, जिस गूंज को जानने के लिए लोग लगातार प्रयत्न करते आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह गूंज किसी दूसरे ग्रह से आ रहा है, तो कुछ लोग कहते हैं यह गूंज सर्वव्यापी ओम का है जो हर जगह गूंजता रहता है। दोस्तों आपका क्या मत है, किसी भी खाली स्थान पर ध्यान से सुनने पर किस चीज का गूंज होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यह गूंज हमारे कानों तक पहुंचता है तभी हम इसे महसूस कर पाते हैं या इस गूंज में कौन सा शब्द है उसे सुन पाते हैं। तो आकाश तत्व हमारे पांचों इंद्रियों में से श्रवण शक्ति अर्थात सुनने की शक्ति का स्वामी है, अर्थात आकाश तत्व हमारी ज्ञानेंद्रिय कान पर नियंत्रण रखता है। दूसरा वायु तत्व। वायु तत्व हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वायु में ही हमें जीवित रखने वाला ऑक्सीजन मौजूद रहता है और ऑक्सीजन जीवन और अग्नि दोनों के लिए बहुत ही जरूरी है। वायु के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे मस्तिष्क में ऑक्सीजन देर से पहुंचे तो हमारे मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जो कि हमें मृत्यु भी प्रदान कर सकती है। वायु के अधिकार में हमारी श्वास की क्रिया आती है। वायु स्पर्श को नियंत्रण करता है और स्पर्श का सीधा संबंध हमारे त्वचा से है, इसलिए पंच महाभूतों में वायु हमारे त्वचा पर नियंत्रण रखता है। वायु आकाश के अधीन है, अर्थात अगर आकाश न हो तो
वायु भी नहीं होगी। अर्थात रिक्त स्थान न हो, खाली स्थान न हो तो वायु नहीं होगी। इसलिए विद्वानों ने वायु के दो गुण को बताया है, शब्द तथा स्पर्श। अर्थात वायु है तभी हम सुन सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं। तीसरा अग्नि तत्व। अग्नि या ऊर्जा, यह हमें जीवन प्रदान करती है। अग्नि के अधिकार में जीवन शक्ति आती है, अर्थात जीने योग्य ऊर्जा हमें अग्नि प्रदान करता है। अग्नि वायु के अधीन है। अगर वायु न हो तो अग्नि का कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। इसलिए अग्नि वायु के साथ साथ आकाश के भी अधीन हो जाता है, अर्थात कि अग्नि वायु और आकाश पर निर्भर रहता है। अग्नि से प्रकाश उत्पन्न होता है और प्रकाश हम अपनी आंखों से देखते हैं। इसलिए अग्नि तत्व के अधिकार में हमारा आंख आता है। चौथा जल तत्व। जल तत्व हमारे रस को नियंत्रण करता है। इसका अधिकार हमारे संपूर्ण रक्त पर है। जल अग्नि के अधीन है, इसलिए जल अग्नि वायु और आकाश पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जल तत्व रस को नियंत्रण करता है और रस हमें हमारे स्वाद से पता चलता है। स्वाद या रस का सीधा संबंध हमारे जीभ से है, इसलिए जल तत्व जीभ को नियंत्रण करता है। पांचवा पृथ्वी तत्व। इस तत्व के अधीन हमारे शरीर की सभी हड्डियां और मांसपेशियां आती हैं। और पृथ्वी तत्व हमारे चारों तत्वों के अधीन है, अर्थात हमारे चारों तत्वों पर निर्भर करता है। आप सोच कर देखिए कि पृथ्वी आकाश वायु अग्नि और जल के बिना कैसी होती। पृथ्वी का गुण गंध है और गंध का सीधा तात्पर्य हमारे सूंघने की शक्ति से है। इसलिए पृथ्वी तत्व हमारे नाक को नियंत्रण करता है। दोस्तों, अगर इन पांचों तत्वों में से किसी भी एक तत्व में कमी आ जाए तो हमारे ज्ञानेंद्रियों में भी कमी आ जाती है, जिसके वजह से हमारा शरीर असंतुलित हो जाता है। पंच महाभूतों का सीधा संबंध हमारे त्रिदोष से भी है। त्रिदोष अर्थात शरीर के तीन दोष, वात कफ और पित्त। वात अर्थात वायु का प्रकोप, कफ अर्थात बलगम का प्रकोप, पित्त अर्थात जो हमारे भोजन को पचाने के लिए रस का प्रयोग होता है उसे हम पित्त कहते हैं। अगर हम अपने शरीर के इन तीनों दोषों को नियंत्रण में रखें तो हमारे पंच महाभूत भी नियंत्रित रहेंगे और हम एक अच्छे और स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। त्रिदोष के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, पंच महाभूतों के बारे में आपका क्या राय है? हमारे जीवन में इन पंच महाभूत या पंच तत्व का कितना और क्या महत्व है, अपने राय में व्यक्त करें। आपका अनुभव दूसरों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आप देख सकें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।